देवरिया थाना क्षेत्र के भवरा निवासी महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पड़ोसी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि जब वह अपने कृषि कार्य के लिए घर से बाहर चली जाती है तो पड़ोसी उसकी बेटी पर गलत नियत रखता है। पूरे मामले की जब थाने में शिकायत की तो आरोपी को बुलाया गया तो आरोपी उल्टा पीड़ितों पर ही आरोप लगाने लगा कि वह 5,000 कर्ज चाहते हैं, और जब वह कर्ज मांगने जाता है तो आरोपी उल्टा पीड़ितों पर ही आरोप लगाने लगा कि वह 5,000 का कर्ज दिया है, और जब वह कर्ज मांगने जाता है तो उसके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिला ने जहां न्याय की गुहार लगाई, वहीं पुलिस के जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि अक्सर लोग पुरानी रंजिश और पैसों के लेन देन पर छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाकर विपक्ष को शांत करना चाहते हैं। यही कारण है कि कई बार गंभीर मामलों में भी पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं कर पाई है। आइए सुनते हैं पीड़ित महिला ने क्या कहा है। क्या शिकायत लेके आई है, क्या घटना हुई है? शिकायत लेके आने के एक साथ है, गलत करा थे वहाँ छोड़ के चले जाये थे, नहीं देखा छाड़ जाये थे घर में उल्टा सीधा गंदी बात बोला थे। कौन लोग हैं वो? वो छुटाई की बारी है गांव का, अपने पड़ोसे का। कौन सा गांव का? हमारा। इसकी शिकायत थाने में किए थे आप लोग? हाँ, कल की है ना साहब। आज जब जब स्कूल जाती तो दो रोज चार रोज कहीं तो हम सोची कि हो जैसा ना ही बोलावत हो। हाँ, अब कहाँ की है ना, तो ही पैसा लग जाता है। आई तो बताई हमसे बेटी बात, हम कहना इसे सयान हो गया, इसे कहा तो है कुछ में। पुलिस कुछ कार्रवाई की इसमें? आए हैं वहाँ बुलाएंगे ही तो गए हैं हमारे सामने मान ले, हम ही दे दिन हुआ पावती कागज तो हम लेके कहें कि आप जा सकते तो हम चले आने साहब, हम थे नहीं जाने। ये जो लोग अंदर घुसे थे तो उनको पकड़े भी थी पुलिस क्या? नहीं, वो अपने से गए थे, शिकायत करें कि हमारे 5,000 रुपया लाए ही नहीं दे दिया साहब, मांगे जाए थे तो लपटा लगावत एम एस। और अब आए हैं तो क्या आपको धमकी वगैरह कुछ दे रहे हैं? हाँ, जब जब सुबह रे तब वही हम तो सुना है कि गाड़ी घुट देते हैं कि तो ही नहीं जिया था नहीं रहा था, तो आज हम थाने नहीं गए, हम अपने से बताए थे।